नेताओं को पूरे बिहार में जो है पर्यटक ढाबा खोलने जा रहे हैं, 50 लाख रुपया कर्ज दे रहे हैं, उसमें 50% की सब्सिडी देंगे। बिहार के नए पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत जी का आगमन आज फतेहपुर क्षेत्र में हो रहा है। बता दें आपको कि फतेहपुर क्षेत्र बोधगया विधानसभा में पड़ता है और बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत जी को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। आज अपने क्षेत्र का वो भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर है। देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए फतेहपुर बजरंगबली मोड़ के पास में खड़ी हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कुमार सर्वजीत पासवान जी से, क्योंकि यहाँ एक गुरपासनी पहाड़ है जो काफ़ी फेमस है और यहाँ जो है विदेशी सैलानी भ्रमण के लिए आते हैं। तो लोगों को उम्मीद बना है कि पर्यटन मंत्री बनने के बाद गुरुपा का विकास होगा और उसका सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ ही यहाँ एक संडेश्वर धाम है जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं, उस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ये लोगों में उम्मीद जगा हुआ है। देखते हैं कि माननीय मंत्री जो हैं कुमार सर्वजीत जी फतेहपुर क्षेत्र के लोगों पर, लोगों के भरोसे पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। यहाँ पे मौजूद कुछ कार्यकर्ता से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि मंत्री जी से उन्हें क्या चाहिए और क्या उम्मीद लगा रखे हैं। धन्यवाद। महामारी के कारण बिहार में पर्यटन उद्योग को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसे में बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर आपके पास विशेष क्या योजना है? अभी हमने मंत्रिमंडल का ग्रहण किया है और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोविड में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पर्यटक स्थल को हुई है और इसी के तहत अभी तक बिहार में सिर्फ पर्यटन के रूप में जाना जाता था, हमने उसको कई भागों में बांट दिया। हमने कहा कि बजट की पैसे का एक हिस्सा जो है बौद्धिक सेक्टर में खर्च होगा, दूसरा हिस्सा कोई और सेक्टर में खर्च होगा, तीसरा हिस्सा जो है किसी और सेक्टर में खर्च होगा और बहुत जल्द हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि 24 तारीख को जब हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा, मैंने निर्णय लिया है कि बोधगया में एक बैठक होने जा रही है, इसमें सभी मंदिरों के मॉन्क होंगे, टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक होंगे, गाइड होंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है हमारा दिल्ली में होगा, दिल्ली में एक बैठक होगी और तीसरा स्टेप जितने बौद्ध सेक्टर हैं हमारे अधिकारी विदेश जा रहे हैं, मैंने कहा है कि जाओ और पूरे बिहार के पर्यटक स्थल जो है उसके बारे में रोड शो करो। ये पहला निर्णय है कि कोई अधिकारी हमारे यहाँ से पर्यटक को लाने के लिए रोड शो करेगा। चलिए एक सवाल और है सर कि बिहार में पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना जो चल रही थी, क्या उस पर विराम लग जाएगा? देखिए सवाल ये विराम का नहीं है, सवाल है कि केंद्र सरकार जो कहती है पता नहीं क्यों नहीं करती है, उनके कथने और कहने में बहुत फर्क है। तो वो क्या करेगा वो नहीं करेगा, हमारा काम है मांग रखना। अभी हमने फैसला लिया, हमने कहा कि पर्यटक स्थल को नुकसान हो रहा है, बागडोगरा से बोधगया जहाज शुरू करो, नेपाल से लाओ, कई सारे हमने सुझाव दिए हैं। और जो हमारा विजन है नेता का कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, मैंने आदेश दिया है कि पूरे इस डिपार्टमेंट में कितने सीट खाली हैं उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट करो, उसकी बहाली होगी। युवाओं को पूरे बिहार में जो है पर्यटक ढाबा खोलने जा रहे हैं, 50 लाख रुपया कर्ज दे रहे हैं, उसमें 50% की सब्सिडी देंगे। जो हमारा नौजवान है वो काम करेगा और ढाबा ऐसा ढाबा होगा कि पंजाब और हरियाणा के लोग भी हमारे मॉडल को आकर के देखेंगे। गुरपा के बारे में आपने बताया कि वहाँ भव्य गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और उसको विकसित करने के लिए विशेष क्या उपाय है, आप मीडिया के माध्यम से बताएं ताकि लोगों तक ये सूचना जा सके। अभी जो मेरे मन में है जी, उसको मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुआ है, 1 दिन मैंने बैठक किया है और इसकी बैठक होने जा रही है। तो मैंने पहले आपको इशारा किया कि बोधगया में क्यों आखिर बैठक हो रही है, विदेशी मौकों के साथ बैठक का कारण क्या है, गुरपा ही है तो है,
बोधगया ही तो है, राजगीर ही तो है, वैशाली ही तो है, कुशीनगर ही तो है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बौद्ध मठों के साथ हमारी जो बैठक होने जा रही है उसी का ये संकेत है कि गुरपा में कुछ न कुछ तो होगा। फतेहपुर क्षेत्र में आपने बहुत सारे सड़कों का शिलान्यास किया, बहुत सारे सड़क आपने बनाया भी, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां सड़क नहीं बन पाया। लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या हमारे विधायक जी मंत्री बनने के बाद सड़क को छोड़ देंगे या फिर उसका निराकरण करेंगे। समर जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजते रहता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो सड़कें खराब है मैंने आपको भेज दिया कि इसकी रिपेयरिंग बरसात में नहीं होती है। सितंबर एंड में मैं पूरी की पूरी प्रशासनिक स्वीकृति, आपने पढ़ा होगा पत्र को, उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी जा रही है। इसका मतलब होता है टेंडर प्रक्रिया। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे विधानसभा में सिर्फ 35 ऐसे गांव बचे हैं जहां पे सड़क नहीं बन पाई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो व्यक्ति नौजवान इस बिहार का मुखिया बना है उसकी सोच ही है रोजगार, विकास। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2015 में मैंने कहा था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमें मदद मत करना। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जब तक मुझे समय मिला है मैं लोगों का अगर सपना पूरा नहीं किया तो आपके यहां से अलविदा। कुमार सर्वजीत जी ने साफ तौर पर कहा कि फतेहपुर क्षेत्र के विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जितना भी विकास होगा मेरे तरफ से किया जाएगा। साथ ही फतेहपुर क्षेत्र में जो सड़क बाकी रह गया है उस पर भी उन्होंने कहा कि सितंबर तक जो है वो सभी सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा और सड़क मरम्मत कर दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े थे बिहार पर्यटन के मंत्री कुमार सुरजीत पासवान, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।